सभी पर्यावरण प्रेमी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात रंजन अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि कैसे मेरे झड़ते हुए अनार के फूल फल में बदले और कैसे थे। दोस्तों नमस्कार। पिछली कड़ी में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप अपने अनार के झड़ते हुए फूल को फल में बदल सकते हैं। तो आइए आज उसी पेड़ के ऊपर, यही मेरे रूफ गार्डनिंग है जिसके चर्चा मैंने आप लोगों से की थी। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे वो अनार अभी इस डालियों पे लगे हुए हैं। ये अनार है, आप देख सकते हैं। ये भी कितना सुंदर फल है। फल का साइज छोटा है, लेकिन आई होप कि अगले साल इससे बड़े फल इसमें आएंगे। और ये देख सकते हैं आप, और इसी में आप देख सकते हैं ये फल लगे हुए हैं और नई नई कलियां फूल भी इस पे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जो भी अपडेट था वो झूठा नहीं था, सच है। और इसको फॉलो करके आप भी अच्छी गार्डनिंग करना सीख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।